इंटरनेट ब्राउजिंग कैसे करते हैं ये हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि दो पार्ट कंप्यूटर में होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। नेट के लिए ऐसा ही है कि हार्डवेयर मतलब हमारा कनेक्शन पूरा होना चाहिए और सॉफ्टवेयर मतलब हमारा क्या है, ब्राउजर। जैसे मोजिला, क्रोम, एक्सप्लोरर हमारे ब्राउजर हैं, ये हमारे सिस्टम में होने चाहिए। इसके बिना नेट हम ब्राउज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखें, आपका जो कंप्यूटर छोटा सा बना है इसके सामने को कोई संकेत नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारे कंप्यूटर में नेट कनेक्शन है। अगर सामने यहाँ पे लाल या पीला संकेत बना है इसका मतलब नेट कनेक्शन नहीं है। अगर लाल क्रॉस बना है इसका मतलब केबल प्रॉपर नहीं जो कनेक्ट है। अब पीला त्रिभुज बना है इसका मतलब क्या है कि सिग्नल नहीं आ रहा है। जैसे अभी सब कुछ है यानी हमारे में नेट चलेगा पूरा पूरा। देन हमारा अगला काम ब्राउजर खोलना होता है, मोजिला, क्रोम या एक्सप्लोरर, कोई ब्राउजर खोल सकते हैं। मैं क्रोम खोल रहा हूँ, ये हमने क्रोम खोला, ये हमारा ऐसा क्रोम खुल गया है। ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे मोजिला खोल दूँ मैं तो आप देखेंगे काम वही होना है हमारा, कोई अंतर नहीं है। मैं मोजिला क्रोम दोनों खोल लेता हूँ, ये खुल रहा है, ये मेरा क्रोम खुल गया है और यहाँ पे मोजिला भी कुछ देर में खुल जाएगा। ब्राउजर कोई भी होगा, आपको एड्रेस बार सबसे ऊपर होता है ब्राउजर में, वहां पर आपको वेबसाइट का पता लिखना है। जैसे यहाँ देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ना ब्लिंक कर रहा है, क्लिक कर देंगे। मैं जो वेबसाइट लिखूँ, मैंने इसे व्यापम लिखा, BYA। अगर आप vyapam.nic.in लिखना है, हमने थोड़ा सा लिखा का पूरा पूरा आ गया तो मैं इंटर दबा दूंगा, नहीं आया तो लिखते जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं यार हम इंटर दबा ही देंगे, कुछ भी आ गया तो ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। ये अगर मोजिला देखें, सेम काम मोजिला में हम करेंगे, कोई फर्क नहीं है। ब्राउजर कोई भी होगा काम आपको ही होना है। BYA मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए अभी तक नहीं आया, मुझे पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो ब्राउजर से कोई फर्क नहीं, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। वेबसाइट को और खोलनी है, व्यापम खुली है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे फिर क्लिक करूंगा तो अगर पहले से कोई पता लिखा है, क्लिक करने में पूरा हमारा क्या ब्लू हो जाता है। ब्लू हो गया इसका मतलब क्या है कि आप जो भी सीधा टाइप करेंगे तो पिछला जो लिखा है मिट जाएगा। इसमें ईज अक्ष खोल लिया, ईज अक्ष खुल गया, व्यापम बंद हो गया हमारा। हम चाहते हैं क्या हो कि हम वेबसाइट दूसरी जो खोल रहे हैं जो पहले से खुली बंद ना हो, हम क्या करते हैं इसका तरीका क्या है, न्यू टैब है, हम यहाँ पे न्यू टैब क्लिक कर देंगे, एक नया टैब खुल जाएगा। जैसे मैं यहाँ गूगल खोल रहा हूँ तो मेरा गूगल खुल गया, ये बगल में गूगल वेबसाइट है, वेबसाइट एक सर्च इंजन है। आप देख रहे हैं इधर में, अगर देखें यहाँ पे बहुत सारा पन्ना भरा हुआ है, यहाँ हमारा पूरा खाली है। गूगल के पास जानकारी खुद की नहीं है, लेकिन जानकारी जो आपको चाहिए वो कहाँ कहाँ मिल सकती है वहाँ तक गूगल पहुँचा देगा आपको। जैसे मुझे मान लीजिए MP हेल्थ की वेबसाइट मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ MP हेल्थ लिख दूंगा तो MP हेल्थ की वेबसाइट गूगल मुझे बता देगा, मुझे पूरा लिखना भी नहीं पड़ता है, आपने थोड़ा लिखा यहाँ आ जाता है। अब देखेंगे जो सामने आ रहा है नीले में लिखा है वो वर्ड है, जो ग्रीन लिखा है ये हमारा वेबसाइट एड्रेस है। तो इसे जरूर पढ़ लें खोलने से पहले, जैसे हमने पढ़ा health.mp.u.in और देखें mp.u.in ये इतना लिखा हुआ है, तो ये आप यहाँ देखने के बाद ही खोलें। जैसे ठीक लग रहा है मुझे कि हेल्थ की वेबसाइट है, ये हमने खोल लिया तो देखिए वेबसाइट खुल गई हमारी। इन्हें अगर आपको वेबसाइट का एड्रेस मालूम है तो डायरेक्ट खोल सकते हैं, जैसे निजक्ष खोला। यदि नहीं मालूम है तो हम गूगल से जाके वेबसाइट पता कर सकते हैं, इस तरह हम कोई वेबसाइट खोल सकते हैं। यहाँ पे दो वेबसाइट खुली हैं, ईदक्ष और आपका हेल्थ की, एक साथ दोनों खुली हुई हैं, हमने किसी को बंद यहाँ पे नहीं किया है। तो आप एक टाइम पे कितनी भी वेबसाइट खोल सकते हैं, इसको लिमिट नहीं है, लेकिन एक ज़्यादा वेबसाइट खोलेंगे तो आपकी स्पीड हमारी कम हो जाती है।